नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स इन दिस फॉलिंग मार्केट। डेफिनेटली दोस्तों, मार्केट में काफी उठापटक जारी है, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको पोर्टफोलियो में बना के चलना चाहिए और लॉन्गर व्यू में आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हर एक साल ये स्टॉक्स आपको 7 से 8-10% लगभग डिविडेंड भी बना के देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डिटेल में चर्चा करें। इस सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने एनटीपीसी, बीपीसीएल और आईजीएल के शेयर को चूज किया है और फ्रेश बाई के लेवल्स बताए हैं और टारगेट प्राइस भी बताया है। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आप जो भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद या अपने एनालिसिस लगाने के बाद ही खुद से किया करें। ये दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे मूव करते हैं। हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पर चार्ट चेक। दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले एक निफ्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं और क्या डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स के टारगेट प्राइसेस हैं वो भी एक डिसाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं बीपीसीएल के क्या टारगेट प्राइस दिए गए हैं। बीपीसीएल का दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट प्राइस दिया है वो 468 के टारगेट प्राइस दिए हैं, क्योंकि रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट है और आगे चल के दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड में कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात नजर आ सकती है। तो दोस्तों, जिस वजह से अभी इस शेयर में अगर हम करंट लेवल पे देखें तो लगभग 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 100 रुपए ऊपर के टारगेट आपके पास है, यानी कि लगभग 25 से 30% का रिटर्न यहाँ से बनता हुआ नजर आ सकता है बीपीसीएल के शेयर में। वहीं दोस्तों दूसरा शेयर है एनटीपीसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएलएसए ने मेंटेन किया है बाइंग रेटिंग और ये 180 रुपए के टारगेट प्राइस, यानी अगर हम करंट लेवल देखें तो एनटीपीसी का लगभग 130-131 रुपए से लगभग 50 रुपए ऊपर लगभग 30 से 35% का रिटर्न इसमें भी बन सकता है। इसका रीजन इन्होंने दिया है, एनटीपीसी इज एबल टू सिक्योर 15% शेयर ऑफ है जीएसटू मार्केट टू रीच द 759 केजीएस बाय फाइनेंशियल ईयर 32 सीयर। तो बहुत सारे और इसके साथ साथ दोस्तों आपको डिविडेंड भी देता हुआ नजर आ सकता है और डिविडेंड ये आपको 7 से 8% 10% का रिटर्न भी बना देता। तो आपको कहीं ना कहीं 30% का जंप और साथ ही साथ दोस्तों 8 से 10% का डिविडेंड भी दे सकता है और फॉलिंग मार्केट में ये कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आईजीएल की, इंद्रप्रस्थ गैस की, तो इसके भी टारगेट प्राइस 475 के दे रखे हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, और जो कि अभी करंट लेवल अगर आप देखते हैं तो आईजीएल लगभग 370 रुपए पे आ चुका है, तो लगभग 100 रुपए ऊपर के टारगेट प्राइसेस यहाँ से 25 से 30% का रिटर्न बनता हुआ नजर आता है। वही दोस्तों ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म भी आईजीएल के ऊपर काफी बुलिश है और आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 450 का दिया है सीएलएसए ने। तो सीएलएसए जो कि बेहतरीन फॉरन ब्रोकरेज एजेंसीज है, तो उन्होंने एक बेहतरीन टारगेट प्राइस दिया है। अदर ब्रोकरेज ने भी काफी अच्छी आउट परफॉर्म रेटिंग दी है आईजीएल के लिए। तो दोस्तों अगर हम डिस्कस करें कि ओवरऑल क्या रहे, तो एनएससी का अगर डेटा एनालाइज करिए तो दोस्तों काफी कम वोलेटाइल शेयर है, 97 रुपीज का डाउन साइड रिस्क और अपसाइड दोस्तों 152 रुपीज। तो इस तरह के फॉलिंग मार्केट में अगर आपको 8.57 की पी पे कोई चीज मिल जाती है तो एनटीपीसी एक बेहतरीन शेयर हो सकता है जिसमें कम गिरावट की उम्मीद है। वही दोस्तों बीपीसीएल का शेयर देख लेते हैं। इसमें यहाँ देख सकते हैं कि डिलीवरी जो परसेंटेज है 230% के आसपास, वही रिस्क काफी कम इन्वॉल्व है और दोस्तों 52 वीक लो के काफी करीब ही है 356। तो ओवरऑल 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो ये भी एक बेहतरीन शेयर साबित हो सकता है। वही दोस्तों आईजीएल की हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं आईजीएल, देखिए दोस्तों 52 वीक हाई लो के आज ही बनाया है और 52 वीक हाई 600 रुपए से काफी करेक्ट भी हो चुका है। डिलीवरी देखिए दोस्तों 46% और रिस्क भी काफी कम, तो तीनों शेयरों में काफी कम रिस्क है
और गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते। पी देखिए दोस्तों तो 20 के पी पे आ चुका है आईजीएल का शेयर, जबकि सेक्टर का पी आप 23 के करीब है। तो ओवरऑल दोस्तों ये भी एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो तीनों शेयरों का अगर हम चार्ट चेक करें तो ये दोस्तों हमने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाया है लॉन्ग टर्म चार्ट। तो अगर हम पिछले 5 साल का सिनेरियोस देखें बीपीसीएल का, तो आप यहां से देख सकते हैं कि बीपीसीएल ने पिछले 368 का यहां पे देख सकते हैं एक रेंज बाउंड रहा है। नीचे के साइड जो रेंज रही 267 के लेवल और ऊपर के रेंज रही है 500 537 के लेवल। तो अगर हम इसको एक रेंज में बांधने की कोशिश करें तो यहां से आप देख सकते हैं ऊपर का लेवल दिस वन 550 अराउंड और नीचे का लेवल दिस वन 260 अराउंड। तो ओवरऑल दोस्तों इसी रेंज में पिछले 5 सालों में ये शेयर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और डिविडेंड लगभग 8 से 10% देता ही है। तो अगर आप किसी भी तरीके से लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें ना के बराबर रिस्क आपको नजर आ सकता है। हालांकि दोस्तों मार्केट काफी वोलेटाइल है तो थोड़े बहुत करेक्शन देखने मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको इसमें ना के बराबर करेक्शन होता हुआ नजर आएगा। और तो ये एक रेंज बाउंड हम लोग बॉटम लाइन 262 का लेके चले और अप साइड दोस्तों 550 के। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो 1:2 का यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में नजर आता है, लगभग कह सकते 200 रुपीज के प्रॉफिट और 100 रुपए के डाउन साइड रिस्क भी है लॉन्गर टाइम फ्रेम में जब 5 साल की बात करें तो। वही दोस्तों शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, तो लगभग 330-340 रुपीज के आसपास का इसका स्टॉप लॉसेज है। अगर शॉर्ट टर्म में आप लेके चल रहे हैं तो 330 रुपए का एक यहाँ पे देखिए 313 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चले और अप साइड दोस्तों यहाँ से लगभग 460 का रेंज आ सकता है। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड अगर हम 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले तो 30-40 रुपए का डाउन साइड और अप साइड लगभग 100 रुपए के आ सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन शेयर है और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए पोर्टफोलियो का स्टॉक बनाया जा सकता है। रिस्क काफी कम है, वोलेटाइल मार्केट के लिए ये काफी स्टेबल शेयर हो सकते हैं। वही दोस्तों दूसरा शेयर है एनटीपीसी। अगर हम 52 वीक देखें टाइम फ्रेम टाइम जोन को देखें तो इसका जो रेंज रहा है ओवरऑल जो रेंज अगर डिसाइड करें तो यहां से आप देखिए तो ये डाउन साइड यहाँ पे दोस्तों ये एक रेंज रही है 75 का एक चैनल है और अपसाइड दोस्तों 150 का चैनल है। तो इसी रेंज में लगातार अप एंड डाउन रहा है ये शेयर पिछले 5 सालों में। और तो अगर आप देखते तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम फेवरेबल है यहाँ पे, लेकिन चूंकि ब्रोकरेज एजेंसीज ने अलग अलग टारगेट दिए और लेटेस्ट ईवी व्हीकल की जो सेगमेंट थीम चल रही है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनटीपीसी का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और सोलर एनर्जी जो कि फ्यूचर एनर्जी उसमें भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो 120 रुपए के स्टॉप लॉसेस लेके चलें और 150 के अराउंड जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। वही लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं दोस्तों तो आपको स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप लेके चलने पड़ेंगे 75 के और 5-6 साल का व्यू है तो आपको 200+ के टारगेट लेके चलने पड़ेंगे। चार्ट ठीक है, चार्ट में कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आती है। वही दोस्तों अब अगर हम आईजीएल का शेयर देखते हैं तो आईजीएल का शेयर दोस्तों अपर ट्रेंड चार्ट को बिलोंग करता है वीकली टाइम फ्रेम पे, लगातार एक परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, लेकिन इधर चूंकि काफी करेक्ट हो चुका है और अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। तो ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये एक इसका मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों 309 रुपए, 309 रुपए का सपोर्ट रहेगा और यही एक जोन है जहां पर कह सकते हैं तो 300 का एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं और 600 के टारगेट के लिए। तो डाउन साइड रिस्क दोस्तों 60 से 70 रुपए हो सकता है लॉन्ग टाइम फ्रेम में 4-5 साल के लिए, और टारगेट प्राइस भी काफी ऊपर है 200-250 रुपए के हो सकते हैं। वही दोस्तों अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके चले तो एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस जरूर रखें 360 के अराउंड, 363 का है जो कि करंट लेवल पे लगभग 8-9 रुपए डाउन साइड है, 360 का स्टॉप लॉसेस लेके चले क्लोजिंग बेसिस पे। और अप साइड दोस्तों शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में आप इस शेयर को 410-420 के लेवल पे
आते हुए देख सकते हैं, ये एक जोन होगा यहाँ पे, तो ये एक चैनल को फॉलो कर सकता है। तो 420 के टारगेट और डाउन साइड आप इसमें 360 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चले शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप दोस्तों 310 का स्टॉप लॉस लेके चले और 600 का टारगेट लेके चले। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।